एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजमार्ग पर जो 24 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक इनकी बातों को नहीं सुना, और आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से वार्तालाप हुआ, और आइए वार्तालाप में क्या निष्कर्ष निकला। हमारे बीच में डॉक्टर अलका जी, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आज उनकी वार्तालाप कहाँ तक पहुँचा है। मैडम, आज आपका यहाँ सत्येंद्र जैन जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से आपकी वार्तालाप हुआ, और आप 24 दिन से लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो क्या वार्तालाप हुआ आपका? सर, जो हमारी फाइल है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एलजी साहब को मार्क की थी, वो फाइल वापसी में स्वास्थ्य मंत्री जी के पास ना आके सीएस के पास चली गई है। मंत्री जी का कहना है वो फाइल मेरे पास आनी चाहिए थी ताकि उन्हें पता चले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया जैसे ही फाइल मेरे पास आती है हमें काम करने में कोई हर्जा नहीं है, पर फाइल का रूट ही चेंज हो गया है। अब एलजी साहब ने क्यों सीएस को वो फाइल मार्क करी है ये तो हम नहीं बता सकते, पर स्वास्थ्य मंत्री जी काफ़ी पॉजिटिव हैं कि अगर मेरे पास फाइल आती है, और मैं कोशिश करूंगा, और हमें भी कहा है कि आप भी कोशिश करें फाइल को ट्रैक करके, मेरे पास जैसे ही आती है मैं आपकी मांग ज़रूर पूरी करूंगा। और वो लोग हमें निश्चित कर रहे हैं कि आपका काम होगा, लेकिन ये एलजी का जो चक्कर बीच में आ गया इस वजह से हम लोग फंसे पड़े हैं। सर, मैडम, ऐसा नहीं है कि ये राजनीति मसला हो कि कभी वो कि एलजी के पास में एलजी से वो वहाँ दूसरी जगह भेज दिया, जो एक रूटीन वेस है, जैसे कि अगर आपको किसी बच्चे को देखना है, अगर किसी पेशेंट को देखना है, तो आप उसके साथ वाले को तो नहीं देखेंगे ना, आप पेशेंट को ही देखेंगे ना। सर, ये बिल्कुल थोड़ी सी राजनीति हो रही है लगता है हमें, पर इसमें इस राजनीति में पिस तो हम 2700 लोग रहे हैं ना। दिवाली आने वाली है, त्यौहार आने वाले हैं, उधर सारी जनता परेशान है, हम लोग यहाँ हैं। अगर एक रूट है कि एलजी जो माननीय मंत्री फाइल भेजते हैं वो एलजी को भेजते हैं, तो एलजी यहाँ पे वापस आनी चाहिए, मंत्री के पास ही आनी चाहिए, जैसे अभी सर ने बताया। अगर आप दूसरे ट्रैक पे उसे भेज देंगे इसका मतलब आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, एलजी साहब राजनीति कर रहे हैं, तो हमारी तो एलजी साहब से भी ये दरख्वास्त है, दिल्ली उनकी भी उतनी ही है जितनी आम आदमी पार्टी की है, हम उनके भी उतने ही हैं जितने कि एलजी साहब के आम आदमी के हैं। हम लोग 2700 लोग हैं, हमारी बस एक ही डिमांड है, हमें सेम वर्क सेम पे दे दिया जाए। प्लीज़ ये राजनीति को, स्वास्थ्य से इस राजनीति को दूर रखा जाए, क्योंकि हर आदमी को स्वास्थ्य की ज़रूरत है। आज 2700 लोग यहाँ बैठे हैं, आपको पहले भी कहा था टीकाकरण नहीं हो रहा, गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, केवल एलजी साहब ने वो फाइल साइन करने में केवल 12 दिन लगा दिए हैं सर, उसको साइन करने में, और अब भी वो फाइल मंत्री जी को ना भेज के वो फाइल सीएस को मार्क कर दी। अब आप बताइए, अब हम सीएस सर के पास लगे ट्रैक करें उस फाइल को, फिर वो मंत्री जी के पास आएगी, तभी मंत्री जी उस फाइल पे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम बैठे हैं, हमने मंत्री जी को कह दिया कि हम वहाँ पे बैठे हैं। हम किसी राजनीति में नहीं फंसना चाहते, हम तो ये कहते हैं इनकी जो फाइल है जो सीएस के पास गई है वो फाइल मंगवाएं, देखें क्या करना है, ताकि हमें दिवाली से पहले कुछ तो तोहफा मिले, नहीं तो हम काली दिवाली मनाएंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पे, अपने बच्चों को भी ले आएंगे, चलो भाई वो भी हमारे साथ देखें, सड़कों पर बैठेंगे, देखेंगे कैसे हमारी दुर्दशा हो रही है, तो ताकि वो अपने बच्चों को कोई भी मेडिकल फील्ड में ना भेजे, कि अगर हमारी ये हालत है आज। हम तो डॉक्टर अलका जी, आगामी योजना आपकी क्या रहेंगी? सर, आगामी योजना यही है, हमारे साथी आप देख लें सारे यहाँ पर हैं, जब तक सेम वर्क सेम पे नहीं होगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे धरना कितना भी लंबा चलता रहे हम नहीं उठेंगे यहाँ से।